हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं गोरखनाथ, वहाँ जाएंगे, वहाँ का ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आइए, हम लोग सभी लोग तैयार हो चुके हैं, हम ऋषभ सक्षम और मम्मी पापा ये सभी लोग जा रहे हैं। चलते हैं, वहाँ का ब्लॉग आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग गोरखनाथ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी हम लोग पार कर दिए हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दिए हैं। हम लोग जा रहे हैं अंदर। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको अभी अंदर का व्यू कैसा है और क्या नहीं है। ये सच्चा है ऋषभ। चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग प्रसाद लेने आए हुए हैं यहाँ पे, पापा प्रसाद ले रहे हैं। आइए चलते हैं, दिखाते हैं। ये देख लीजिए इधर का व्यू, ऋषभ आ रहा है। गोरखनाथ का हाँ, पापा ले रहा है। एक और बार, एक और बार मिठाई ले लिया। आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर। अंदर का भी दिखाएंगे आप लोगों को, अभी मंदिर का दिखाएंगे अंदर का। अभी तो हम लोग बाहर नहीं है, इधर मेले का एरिया पूरा, इधर मेला लगता है चारों तरफ। बहुत जाने भी होता है, अभी तो फरवरी से ही लगता है दोस्तों, जनवरी से, सॉरी जनवरी से लगता है, पूरा फरवरी रहता है, पूरा चलिए डायरेक्ट मंदिर में मिलते हैं। सो दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर का भी दिखा रही चारों तरफ, इधर ये सब देख लीजिए, मंदिर है सामने, मंदिर का व्यू है। मम्मी का भी चेकिंग हो रहा होगा। हाँ, इधर दिखाई देखा का व्यू पूरा बहुत अच्छे से। गोरखनाथ मंदिर बहुत अच्छी जगह है, हम लोग गोरखपुर में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे दिखाओ, पास से दिखाई देखिए दोस्तों, ये गार्डन बना हुआ है अंदर ही, मतलब अंदर एंट्री थोड़ी होता है इसमें, पर सही लगता है। अभी सावर वावर इसमें लगा हुआ है अच्छे से। ये फिर अभी चलेंगे उधर, तालाब भी है। देख लीजिए, मम्मी आ गई, मम्मी आ रही हैं। सक्षम है, ये पापा हैं, ये सब। आइए चलते हैं अंदर मंदिर में, चलेंगे दर्शन करेंगे गोरखनाथ बाबा का। मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है गोरखनाथ, गोरखपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मज़ा आता है। आइए दोस्तों, चलते हैं, दिखाते हैं। अभी भी यहाँ भीड़ ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, भीड़ अभी चालू ही है। यहाँ हमेशा भीड़ रहता है, मतलब हमेशा रहता है भीड़। काफ़ी जब खिचड़ी का मेला लगता है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है। दिखा चाहता हूँ, मैं दिखा दूँ सर। मंदिर का अच्छे से सामने से। सो फ्रेंड्स, ये मंदिर देख लीजिए, सामने मंदिर है काफ़ी बाबा का है। आइए आइए, इधर सूर्य जमा कर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये मंदिर नया बन रहा मंदिर, अभी इसमें मूर्ति वूर्ति कुछ भी आया नहीं है, ये अभी काम चल रहा मंदिर का। ये गोरखनाथ मंदिर देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, सब लोग चल रहे हैं दर्शन करने, दर्शन करने हम लोग भी चलेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वही एक डायलॉग देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। हमारे बहुत अच्छा अच्छा हो चुका, क्या है क्या नहीं है। आज उसके अंदर है पैर छूते हुए दिखाना। तो दोस्तों, ये मंदिर है पूरा, ये देख लीजिए गोरखनाथ बाबा का, और अंदर ये गोरखनाथ बाबा हैं। कोशिश की कैमरे कुछ हिले ना, लेकिन कुछ मिस्टेक हो सकती है, मुझे मत बोलिएगा। आइए चलते हैं, पता नहीं अलाउ नहीं नहीं है। तो दोस्तों, अंदर अलाउ नहीं था गोरखनाथ बाबा का वीडियो बनाना, इसलिए हम लोगों ने बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे का बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। योगी जी,
मम्मी तो बहुत फास्ट है, बड़ा जल्दी चल रही है, सबसे आगे मम्मी। पहली बात आया था उसको कि मंदिर के अंदर पूरा है। चार भैरव नाथ बाबा हैं, ये बाहर का व्यू है देहरी का पूरा। ये श्री अखंड धुनी है, ये हमेशा जलता रहता है। जब से गुरु नानक बाबा ने इसको जलाया तब से ये जल ही रहा है आज तक। हाँ अंदर है, अंदर है, देखो। हाँ देखो, जलता है। चलो दिखाते हैं, आइए गाइस आपको भी दिखाते हैं। नहीं दिख रहा क्या इधर से? देख लीजिए, हमेशा इसमें से निकलता रहता है धुआं। धुआं ये घंटा। आए चलते मंदिर में, ये सब लो पकड़ो, लो दिखाओ, तुम दिखाओ। मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की, वहाँ का भी देख पाते हैं अगर दिखता है, दिखाएंगे दोस्तों, नहीं तो कैमरा लोग बंद करवा दे रहे हैं पंडित जी लोग। संग्रहालय है पूरा, बहुत बड़े एरिया है। स्मृति भवन है ये दोस्तों, इतना बड़ा है। तो दोस्तों ये स्मृति भवन है, ये चलिए दिखाते हैं। ये दोस्तों यहाँ देवी देवताओं का मूर्ति है चारों तरफ। हाँ यहाँ ये बहुत अच्छा लगता है। देख लीजिए दोस्तों, ये रहे दोस्तों यहाँ पे पूरा
स्मृति भवन है पूरा, बहुत बड़ा है। गोरखनाथ के अंदर ही पूरे मंदिर का ये सब व्यू है, और भी अच्छी अच्छी जगह है अभी दिखाएंगे। दर्शन कर लिए मंदिर का, आ चुके हैं, अब चलेंगे झूले वूले के तरफ, झूला वूला झूलेंगे। चलते पहले जूता वूता पहन लेते हैं अपना, और इसे चलो दिखाओ। सक्षम जलाने जा रहे हैं अगरबत्ती। अरे अरे क्या डांस हर जगह शुरू हो जाता है पेट हिलाते हुए। सक्षम एक बार पेट हिला दो सक्षम। यस 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 यस। भैया ने कैमरा मैन ले लिया है, उसी को लेकर दौड़ा है। आप लोग को एक व्यू, अब बहुत मजे आएंगे। कैसा है क्या नहीं है चलिए देखते हैं। एक और कैसा है क्या नहीं है, कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ है। आप दिखाई दे, हनुमान जी का मंदिर। हाँ बस सही। एक और बार हनुमान जी का मंदिर दिखाओ, और हौले हौले दिखाएंगे। यहाँ पे कोई मिला कैमरा बंद करने वाला? दर्शन कर लिए हनुमान जी का, और मंदिर काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा मंदिर। आप लोग भी आइए दोस्तों मंदिर में घूमिए, देखिए बहुत मज़ा आता है मंदिर में अंदर, बहुत अच्छा, बहुत शांति रहता है यहाँ पे। अभी तो यहाँ मेले का है, मेला मतलब ख़त्म हो चुका है दोस्तों। मेला रहता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, काफ़ी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे, आप लोग को देखने को मिलता है। अभी तो मेले के बाद हम लोग आए हैं फरवरी के लास्ट में। पुलिस अंकल जी, पुलिस खत्म हो चुका है, पुलिस अंकल जी देख रहे हैं, पुलिस अंकल जी कभी देख ये देखिए दोस्तों नंदी जी हैं, पीतल के बने हुए हैं बहुत बड़े से, पहले अंदर थे बाहर इनको कर दिया गया है। देखिए छोटे छोटे ये देखिए दोस्तों ये ताल है, यहाँ पहले वाटर शो होता था, अभी फिलहाल बंद हो चुका है। ये दोस्तों ये ताल है पूरा, हाँ इसमें स्टीमर भी चलता है, लोग घूमते हैं। अरे किनारे ना जाओ, बहुत ज़्यादा गहरा है, इसका गहराई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। बस दिख रहा है इसी के लिए पिलर बना है, चौड़ाई थोड़ा कम, चौड़ाई कम है पर। आए दोस्तों भीम जी को दिखाते हैं लेटे हुए, और सोए लेटे भी नहीं, 15 फीट के थे। मुझे आप दिखाइए ये दोस्तों, भीम जी लेटे हुए हैं जरा, देख लीजिए बहुत बड़े हैं। गोरखनाथ बाबा से मिलने आए थे उसी समय का है ये, लेटे हुए। आइए अब चलते हैं बाहर। हाँ बहुत ज़्यादा मेला लगा हुआ था पर अब देखिए सारा खत्म हो गया, दिखाई दे रहा है सारा सारा मेला हट चुका है दोस्तों। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर अभी हट चुका है सारा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, 1-1.5 महीने का मेला होता है, 1.5 महीने से ऊपर हो गया, खिचड़ी के टाइम भी लगता है। देखिए छोटा मोटा बच्चा हुआ, बाकी सभी सब देख डांस वांस लगता है, बड़ा वाला झूला लगता है, बहुत अच्छे अच्छे झूले आते हैं जो अब ख़त्म हो चुके हैं सारे, बंद हो चुके हैं। अगली बार आपको खिचड़ी के मेले का पूरा अच्छे से भी हम लोग दिखाएंगे जब अगले साल मेला आएगा तो। अभी फिलहाल तो ख़त्म हो चुका है सर, मेला ख़त्म हो चुका है तो कैसे खेला कैसे झूला जाएगा? ये दोस्तों मेला पूरा ख़त्म हो चुका है, इधर ही लगा हुआ था पूरा झूला वूला सब। पापा बोले थे बाबा सारा मेला ख़त्म हो गया। ये दोस्तों सब लोगों का मूड ऑफ हो गया, सक्षम को देख लीजिए दोस्तों कैसा मुंह बनाया हुआ है, झूले पे झूलने के लिए बोल रहा था पर उसका झूले झूलने के लिए बोल रहा था, ऋषभ भी सोच में पड़ गया है, सब सोचे थे झूले पे झूलेंगे पर हो नहीं पाया, सपना अधूरा रह गया।
आइए चलते हैं जी। ये अब बाहर चलते दोस्तों, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर घर चलेंगे, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं। हम लोग सोचे थे झूला झूलेंगे पर हो नहीं पाया ये चीज़। तो दोस्तों हम लोग सोचे थे मेले में घूमेंगे, ये सब झूला झूलने के लिए दोनों एक्साइटेड थे, पर इन सब दोनों का मूड ऑफ हो गया है, क्योंकि आए थे झूला वाला सारा हट चुका है मेले का। अरे दोस्तों दिखाते हैं अब, क्योंकि आए थे झूलने लोग, मेला घूमने ही आए थे पर हो नहीं पाए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था दोस्तों। जनवरी में ही लग जाता है मेला खिचड़ी के समय से ही, और एक डेढ़ महीने रहता है, अभी तो समय पूरा हो चुका है, इसलिए है नहीं कुछ। आइए चलिए चलते हैं। सो दोस्तों हम लोग मेला वाला घूम चुके हैं अच्छे से, क्योंकि कुछ खास था नहीं अब, बाकी जो था आपको दिखाए ही हैं। आइए अब चलते हैं गाड़ी पार्क में, उसको लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर ही कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ सही मिल नहीं रहा है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं खाने बर्गर मोमो। तुम क्या खाओगे? बर्गर। सच्चा बर्गर खाएगा रिशा और हम मोमो खाएंगे। तो आइए दोस्तों खाते हैं, चलते हैं, चलते हैं खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। ये दोस्तों खा रहा है ऋषभ मोमो, सच्चा भी अपना बर्गर खा रहा है, बहुत जल्दी खा लिया बर्गर, खा खत्म कर दिया, हम मोमो खा रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अभी के लिए बाय बाय।